नमस्कार, सिटी अपडेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीपरी से, जहां पटाखों को लेकर हुआ विवाद। जहां मामला शांत होने के बाद युवक जब घर पर लौटा तो युवक के पड़ोसियों ने उस पर हमला बोल दिया। वहीं युवक के सात बच्चों को भी मारपीट कर दी। आपको बता दें कि दिलीप पुत्र बालीलाल रजक उम्र 42 वर्ष निवासी पुरानी सीपरी, जहां सातवां पुत्री भी घायल हुई। इसमें वैष्णव रजक उम्र 12 वर्ष दिव्या रजक और 17 वर्ष बंशु रजक उम्र 10 वर्ष संजय रजक उम्र 29 वर्ष जिसके गले में चोट आई। देखिए पूर्व वैष्णवी रजक। क्या कुछ आपका ये पूरा नाम जो मारपीट हुई है, क्या कुछ पापा जी है ना, बाद में फटाके चला रहे थे वो, पापा जी नहीं वो चला रहे थे फटाके, तो चाची की लड़की है ना वो छोटी है, वो डर रही थी ना, इसलिए चाचा ने मना कर दिया था उनसे, फिर वो बात खत्म हो गई थी। फिर पापा और भैया है ना टिक्की पीने गए थे ना, हाँ तो इधर सारे जने डंडे लेके खड़े थे, मुकेश पवन सूरज और पवन लेके कौन खड़ा था, मतलब कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं कौन पड़ोसी, फिर क्या हुआ? फिर सारे जने डंडा लेके खड़े थे, कुछ और को पापा को मारा था बहुत तेज, बहुत तेज मारा था पापा को, वो मोंटी है ना उसने मेरे हाथ में डंडा दिया था बहुत तेज और पापा को मार रहा था। कितने दिन पुरानी घटना है? कल की है। हाँ आपने FIR वगैरह दर्ज की पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ। फिर क्या हुआ पापा? फिर है ना उन्होंने बोला मेडिकल कर, बस मेडिकल उसके बाद है ना चाचा को भी मारा। फिर पापा जी हमारे घर मुझे पापा जी को और दीदी को भैया को चाचा को हाँ डंडा से और वो चैन से और वो पता नहीं है ब्लेड होती है ना ब्लेड से चाचा का गली में जी थी। हाँ तो पुलिस की मदद मिली? नहीं मिली, मदद नहीं मिली। ऐसी ही ताजा तरीके खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर खबर से आप अपडेट रहें। धन्यवाद।